वो मेरी माँ को गाली बकती है इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं करता। अच्छे अच्छे हाँ बहन सब पर घर का इज्जत होता है इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करता। इतना जोश इतना मतलब इतना क्रोध इतनी छोटी उम्र में ये मैं उससे कोई दिक्कत नहीं मगर माँ बहन का गाली में बर्दाश्त नहीं करता वो या हमें दे या किसी और को दे मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसने काफ़ी फ़ोन किए कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ कुछ कहना चाहता हूँ तो इसे बात करेंगे। ये बच्चा यहाँ पर किसान आंदोलन में आता है और यहीं पर लंगर वगैरह छकता है तो क्या नहीं अब की बार क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर कि छोटा बच्चा है काफ़ी मतलब तेज दिमाग है तो इससे बात करेंगे। हाँ भाई कहाँ से मतलब क्या नाम है आपका पहले नाम बताओ। मोहम्मद अजमुद्दीन। मोहम्मद क्यों आते हो यहाँ पर घर पे नहीं जाना आपको? जी नहीं खाना खाने आते हैं। किसान से ही बैठे हैं या गलत बैठे हैं क्या कुछ जानते हो आप इनके बारे में? जी किसान से ही बैठे हैं खेती का कानून मोदी ने ले रखा है इसीलिए बैठे हैं। आपको पता है खेती का कानून आया था? जी तीन कानून है काला कानून है खेती कानून है। अच्छा अच्छा किसने बताया आपको कानूनों के बारे में इनके ये काला कानून है? जी मुझे मालूम है। नहीं बताया भी तो होगा आपने या किसने बताया होगा या यहाँ पे पता लगा? ये यहीं पे पता लगा मुझे। ये किसान कहते रहते हैं तो क्या कहाँ खाना यहीं पे खाते हो? जी यही खाना खाते हैं। तुम्हारे माता पिता भी तो घर पे ही होंगे? मेरी माँ नहीं है पापा घर पे हैं। फिर ये घर पे नहीं जाते बुलाते नहीं बाप को तुम्हारे पापा? जी पापा बुलाते हैं मगर मेरी भाभी नहीं रहने देते हैं। क्यों मालूम नहीं बताओ खुल के बताओ आप। ये भाई बच्चा वायरल हो गया था काफ़ी वीडियो डाली थी तो इनके घर वाले इनको बुलाते भी नहीं ना इसके पास फ़ोन करते। देखो बच्चा पैदा कर दिया छोड़ दिया वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। ये यहाँ किसान आंदोलन में खाना खा रहा है ये तो शुक्र है भगवान का कि कुछ भी लगा लो इस आंदोलन से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि इस तरह के बच्चे यहाँ पर खाना खा लेते हैं काफ़ी जो जिनको खाना नहीं मिलता ये तो खैर अच्छा हो रहा है। हाँ यहीं पे खाते हो खाना? जी। अच्छा किसान लोग जो बैठे हैं कैसे इंसान है? ये बहुत अच्छे इंसान है तो अच्छे बैठे हैं नहीं तो कितने आदमी भूखे मर जाते प्यासे मर जाते सब इसीलिए बैठे तो यहाँ पे ठीक बैठे हैं। मोदी जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। अच्छा ये जो यहाँ किसान बैठे मोदी कह रहे हैं यहाँ से चले जाना चाहिए इनको जाना चाहिए? जी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जब तक रहेंगे जब तक देश अच्छे रहेंगे जब तक मोदी ना हार माने जब तक यहाँ से किसान आंदोलन जाए नहीं। मतलब जो कि और देशवासी है उन्हें आना चाहिए किसान आंदोलन में? जी आना चाहिए यहाँ पे किसान आंदोलन वाले और आने चाहिए यहाँ पे। मोदी तो बात मान नहीं रहे इनकी। ये बात वो मानेगा तो लॉकडाउन भी खुल जाएगा और स्कूल भी खुल जाएगा। अच्छा स्कूल भी खुल जाएगा। और क्या करना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या करते हो आप किस टाइम आते हो कहाँ पे रहते हो यहाँ पे कहाँ रहते हो जब भी आपको कोई घर नहीं है यहाँ पे तो कहाँ पे रहते हो? जी मैं तो पार्क में सो जाता कहीं कहीं सो जाता हूँ। घर नहीं आपका यहाँ पे? यहाँ घर है तो भैया भाभी भगा दिए घर से। अच्छा घर भैया और भाभी घर से भगा देते हैं? जी भाई देख सकते हैं आप आज के टाइम में इसकी भाभी और भैया भी है क्यों भगाते हैं आप शरारत करते हो अगर उनको उनकी बात नहीं जी नहीं मैं यहीं से गया था एक बार घर पे थोड़े लेट से चले गए ना हम तो पहले तो भैया को बोल के पिटाई खिलवाया सुबह चाय देने के लिए मना किया गाली उली बका फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ मैं आ गया। फिर दोबारा नहीं गया मैं घर पे। फिर ये तो आपकी गलती है बड़े कुछ कह भी देते हैं आप लेट गए आपने खुद गलती करी। वो मेरी माँ को गाली बकती है इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं करता। अच्छे अच्छे हाँ बहन सब पर घर का इज्जत होता है इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं करता। इतना जोश इतना मतलब इतना क्रोध इतनी छोटी उम्र में ये मैं उससे कोई दिक्कत नहीं मगर माँ बहन का गाली में बर्दाश्त नहीं करता वो या हमें दे या किसी और मिलता है राशन मगर वो कम देता है मगर। तो आप पढ़ाई नहीं करते आप स्कूल में जाते यहाँ इतने दिन से घूम रहे हो पढ़ाई नहीं करनी आपने? जी नहीं पढ़ाई नहीं करते अभी। क्यों ऐसे बड़े ऐसे फिरेगा बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है आगे कुछ बढ़ना बड़े हो गए नहीं बर्दाश्त कर बड़ों की बात का तो बुरा भी नहीं मानना चाहिए इतने छोटे बच्चे आप जी उनकी बात मानना चाहिए कुछ गलत बात थोड़ा कह रहे थे आप लेट जाते हुए जी। और बड़े छोटे को इज्जत करेंगे तभी तो छोटे बड़े को इज्जत करेंगे बड़े को छोटे इज्जत करेंगे तो बड़े छोटे को इज्जत करेंगे ही नहीं तो बड़े क्यों इज्जत करेंगे छोटे।
अच्छा ये बात है, देख भाई सोच सकते हैं आज वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आज की जो छोटी जनरेशन है, इस मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, अपने निजी विचार रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही बताओगे इसके बारे में जो ये शब्द बोल रहा है कि इसके भाई जो है, इसके भाई है ना, भाई भाभी इसको मारते हैं, ये लेट गया होगा, लेट जाने के बाद फिर इन्होंने धमकाया इसको, गाड़ी गुड़ी दी, फिर ये गाड़ी सहन नहीं करता, वो क्या कह रहा ना, हर बच्चे का ये अधिकार पूरा, शिक्षा पूरा, प्यार, हालांकि उन्हें ये करना चाहिए था कि इसकी पढ़ाई कराना। कितने भाई बहन हो आप? जी मैं 7 भाई हूँ। 7 भाई है जी? अच्छा 7 भाई हो, मैं तो यहीं 7 से यहीं रहे। हम रहे 4, बाकी घर गाँव है। तो घर क्यों नहीं जाते, घर जाना चाहिए ना? नहीं मैं जाऊँगा डायरेक्ट बिहार ही जाऊँगा। अच्छा बिहार ही जाओगे, फिर जाते क्यों नहीं? ये अभी नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ से कुछ करके जाऊँगा। क्या करके जाओगे? जी कुर्सी करके जाऊँगा। क्या करेगा? जी कुछ ये करके जाऊँगा, जॉब सीख करके जाऊँगा यहाँ से। जॉब सीख करके जाएगा जी? अरे अभी तो पढ़ाई की उम्र है तेरी, जॉब कहाँ से मिल जाएगी आपको? जी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जैसे साइकिल उल के बनाना होता है, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कार, ये सब का काम। अच्छा अच्छा वो सब भी कर सकते हैं हम, जैसे होटल उटल में है, ऐसे कोई पढ़ाई लिख पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ हो भी जाएगा। पढ़े लिखेगा नहीं फिर इसका मतलब? पढ़ेंगे, वो मोदी लॉकडाउन खोल दिया तो उस पर पढ़ सकते हैं। अच्छा। मोदी जब तक लॉकडाउन नहीं खोलेगा जब तक स्कूल नहीं खुलेगा। अच्छा ये समस्या तेरी में, पहले स्कूल में जाया करता, लॉकडाउन नहीं था जिस टाइम? जी मैं पहले जाता था। पहले जाता था जी? कुछ पढ़ना भी आवा वैसे ही जाता था वहाँ पे? जी मैं पढ़ने जाता था वहाँ पे। पैटा सुना सकता है? 3 का जी सुनाइए। 3 × 3 = 6 × 3 = 9 × 3 = 12 × 5 = 15 × 3 = 18 3 × 8 = 3 7 + 24 = 27 + 9 = 30 कितने तक आवे हैं? 20 तक आवे हैं। पढ़े आवे हैं और कुछ भी आवे हैं? ये पढ़े भी आते हैं। हिंदी आंदी पढ़ ले जी? अच्छा अच्छा घर जाने का कोई अभी प्लान नहीं है? जी नहीं भाई, घर चले जा, घर पे रहना चाहिए, अपने बाप से बोल कि मेरी पढ़ाई करवा, मुझे खाना दे, मुझे घर पे रख। पास में पैसे भी नहीं है ना, जो भी भैया आए पैसे मांगते हैं महीने में 500, 100, 200 डराते हैं। अच्छा अच्छा आपका पापा जी है? पापा जी है। पापा का क्या काम करे? जी मेरा पापा कुछ ना काम करे, घर पे मैं वही उसी में रहते हैं मेरे पापा। इसकी माँ है? माँ है? माँ नहीं है। चलो भाई इससे बात करी किसान आंदोलन से लेकर, क्योंकि ये बैठा था, इसने मेरे को बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और काफ़ी लोग इसको जानते भी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, तो मैं तो इनके घर को से ही बात करूँगा कि इसकी पढ़ाई करवाए और इसने अपने घर पर रखे, क्योंकि कहीं यहाँ पे रोड पे फिरता रहा है, कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती है इसके साथ, तो अच्छी बात नहीं है, तो इसको अपने पास रखे, क्योंकि जब पैदा किया है तो इसको पालन पोषण भी ज़रूर होना चाहिए घर को के हिसाब से, क्योंकि किसान आंदोलन तो क्या पता कितने दिन तक है, उसके बाद कहाँ पर जाएगा ये, तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, ऐसे कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन ये मैंने वीडियो बनाने इसलिए सोची कि कहीं ना कहीं जितने भी इस तरह से परिवार हैं, जिस तरह से इनको लावारिस छोड़ देते हैं कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ घुसे, उस पर ध्यान दे, तो ये मेरी वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है, तो इसके साथ बने रहिएगा इंडिया हरियाणा पर, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सोच सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसके बच्चे के बारे में, और इसको क्या करना चाहिए, और इसके घर वालों ने बुलाना चाहिए, क्योंकि 5 भाई, 7 भाई है ना? 7 भाई है, 7 तेरे से बड़े ही होंगे सारे? जी मेरे से सारे हो रहे हैं। सारे बड़े ही है, एक भी कितना खर्चा हुआ इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जी करना ही नहीं, तो तब तक के लिए भाई बने रहिएगा और इस पर भी ध्यान दिएगा। जय हिंद।